राजस्थान में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम बदला है उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। वहाँ सारे मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये परिस्थितियाँ जानी पहचानी तो आपको लगता है कि राजस्थान में जो हुआ मध्य प्रदेश में? जब जब किसी के सम्मान को ठेस लगेगी इस तरह के परिणाम होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बुजुर्ग नेतृत्व समझदारी दिखा रहे जबरदस्ती पार्टी को सम्मान को ठेस, मतलब ये मानते हैं कि जैसे मैं थोड़ी सचिन पायलट जी कह रहे हैं, सिंधिया जी ने स्वयं नहीं कहा, तो लगता है कि एक तो आरोप भी तो लग रहे हैं कि हार्स ट्रेनिंग और जिस तरह से कपिल सिब्बल जी कपिल सिब्बल जी कहें या कोई और कहें, इतना तो तय है कि कांग्रेस इतिहास की वस्तु बने। तो क्या वजह रही कांग्रेस की परिस्थितियाँ वहीं ऐसी रही होंगी आप मानते हैं? कौन करवाएगा राजस्थान में देखा तो वहाँ भी कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्रीय विरोधी जैसी लगती है। जब 370 का विरोध करेंगे, 33A का विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, कन्हैया कुमार के पास में भारत के टुकड़े होंगे कि नारी मसे वाले से मिलने जाएंगे, तो लोग स्वाभाविक रूप से उखड़ेंगे। सचिन पायलट की भी उपेक्षा करें क्योंकि कांग्रेस जैसा कि ज्योति सिंधिया कल लाइट चेंज हो गई यार, क्या सचिन पायलट जो है उनके साथ भी उपेक्षा कर रही थी कांग्रेस के लगता है? तो सचिन पायलट ही कह रहे हैं, सिंधिया जी का ट्वीट कल कह रहा है सिंधिया जी से मिलना, ये बताता है उनका। तो अब क्या लगता है कि अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो क्या लगता है सचिन पायलट थामेंगे तो स्वागत? तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री उनका ये कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करें। कैमरा पर्सन कविता श्रीवास्तव न्यूज़।